हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल और स्मार्ट टिप्स ऑनलाइन में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही धमाकेदार फाइट के बारे में बात करूँगा जो तीन मोबाइल ब्रांड में हो रहा है। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा चल रहा है उन लोगों का फाइट, जो है एक है जियोनी A1, दूसरा है ओप्पो F3 और तीसरा है वीवो V5S। तो ये तीनों जो मोबाइल है, जो तीनों मोबाइल के बारे में मैं अभी आपको बताया, तो तीनों मोबाइल एकदम स्मार्ट सेल्फी कैमरा, मतलब बहुत ही एडवांस सेल्फी कैमरा है। और सेल्फी कैमरा का मार्केट कौन लेगा, इसके लिए इन लोगों के बीच में बहुत ही फाइट हो रहे हैं। तो पब्लिक कौन, मतलब जो कंज्यूमर से, मतलब जो कस्टमर से, वो मतलब कौन सा ब्रांड खरीदेगा, इसके लिए सभी कंपनी एक साथ लगे पड़े हैं। तो आप अगर कोई भी सेल्फी कैमरा खरीदने के लिए जा रहे हैं अभी, और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी कोई सेल्फी कैमरा आप खरीदने वाले हैं, तो मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहें ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये तीनों मोबाइल का जो सेल्फी कैमरा है और इसका जो कैमरा फीचर्स है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा जो अपडेट न्यूज़ में अपलोड करता हूँ, जो वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल है वहाँ पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करने से मेरा जो अपकमिंग जो वीडियो आ रहे हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो G1 A1 है और जो ओप्पो F3 है और जो वीवो V5S, जो तीन मोबाइल में आपके साथ बात करने वाला हूँ अभी, तो ये तीनों मोबाइल बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा है इसमें, और इसका जो कैमरा फीचर्स है बहुत ही अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका कुछ अलग अलग फीचर है। तो पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है G1 A1 जो कैमरा है, उसका जो प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और उसका जो एपेचर है, ठीक है, एपेचर है f2.0। तो एपेचर किसको कहते हैं, एपेचर एक्चुअली जो लेंस होते हैं, लेंस का जो रेशियो होते हैं, जो डायमीटर होते हैं, उसको एपेचर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है एपेचर के बारे में तो कोई बात नहीं है। और एक जो फैसिलिटी दिया है यहाँ पे, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस जो है, मतलब जब भी आप कोई भी वीडियो कर रहे हैं तो वीडियो में फेस डिटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मतलब मूविंग सब्जेक्ट अगर होते हैं तो फेस डिटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसमें लेड फ्लैश है, और इसका जो सेंसर साइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सेंसर, मतलब कैमरा तो देखिए, मेगापिक्सल के ऊपर कैमरा का मतलब अच्छा इमेज होगा कि अच्छा पिक्चर आप खींच सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, डिपेंड करते हैं उसका सेंसर साइज, मतलब कैमरा का सेंसर साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आपको मतलब लाइट लेंस मतलब वो खींच सकते हैं, उतना ज़्यादा लाइट वो मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसमें क्या होते हैं आपका जो पिक्चर होते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही अच्छा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंसर साइज दिया गया है वो है 1.3 इंचेस, ठीक है, तो वो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1.3 इंचेस मोबाइल का कैमरा तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सेंसर बहुत ही अच्छा है। और इसका जो पिक्सल साइज है वो है आपका 1.12 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1.12 माइक्रोमीटर बहुत ही अच्छा है पिक्चर पिक्सल साइज, मतलब हर एक पिक्सल जो होते हैं डॉटेड होते हैं उसका साइज 1.12 माइक्रोमीटर। और इसमें जियो टैगिंग फैसिलिटी है, टच फोकस है, और इसमें फेस डिटेक्शन फीचर्स है, HDR है, HDR पिक्चर आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे खींच सकते हैं। और इसका जो रेजोल्यूशन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 1080p, ठीक है, और यहाँ पे आप जो वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो यहाँ पे आप 30fps तक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 30fps मतलब जो यूट्यूब में यूज़ होते हैं, जो एक्चुअली बिग बिग जो मतलब जो बहुत ही मोशन डिटेक्टेड जो होते हैं, मोशन कैमरा जो होते हैं उसमें 30fps में रिकॉर्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका जो सेकेंडरी कैमरा है, इसका सेकेंडरी कैमरा आ रहा है 16 मेगापिक्सल, ठीक है, और इसका जो सेंसर साइज़ है सेम सेंसर साइज़ है 1/3, मतलब इसका सेंसर साइज़ है, ठीक है, 1/3 इंचेस, और इसका जो एपेचर है वो सेम ही है 2.0, ठीक है, एफ है 2.0, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है G1 A1, अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीचर्स दे रहा है। और अभी आते हैं ओप्पो F3 का जो प्राइमरी जो कैमरा है उसमें 16 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है, और इसका जो एपेचर है वो आपको मिल रहा है f1.7, और इसमें फेस डिटेक्शन है, ऑटो फोकस सिस्टम है, IOS है, ठीक है, और इसमें डुअल LED
डुअल टोन फ्लैश, ठीक है, मतलब डुअल एलईडी डुअल टोन फ्लैश, मतलब रात में अगर आप मतलब कोई भी तस्वीर खींचते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको एक मतलब बैकअप, अगर आपके पास कोई भी लाइट नहीं है तो बैकअप लाइट आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्लैश से, ठीक है। और इसका जो सेंसर साइज दे रहे हैं ये है 1/2.8 इंचेस, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है 1/2.8 इंचेस सेंसर साइज, हाँ ठीक है, जियोनी से थोड़ा कम है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसमें जियो टैगिंग है, टच फोकस है, सेम टू सेम है, जियोनी A1 से सेम टू सेम ही है, और टच फोकस है, फेस डिटेक्शन है, HDR है, और इसमें और एक चीज़ है जो है पैनोरामा, ठीक है, तो पैनोरामा अभी बहुत ही मतलब कॉमन हो चुका है। और इसका जो वीडियो पिक्सल है, वीडियो पिक्सल बहुत ही अच्छा है 2160p, और इसका 30fps आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक भी है जो है आपको और एक फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं वीडियो पिक्सल का, जो जियोनी A1 में था वो है 1080p, ठीक है, और ये 30fps यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली सेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 30fps यहाँ पे देते हैं, जैसे कि DSLR कैमरा में आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे सेकेंडरी जो कैमरा है वो डुअल कैमरा है, एक है आपका 16 मेगापिक्सल, दूसरा है आपका 8 मेगापिक्सल, और यहाँ पे जो एपेचर आ रहा है वो है f2.0, और इसका जो सेंसर साइज आ रहा है 1/3 इंचेस, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका प्राइमरी कैमरा से सेकेंडरी कैमरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका सेंसर साइज बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद आ रहे हैं वीवो वी5S में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो एपेचर है 2.2, और मतलब f2.2 है, ठीक है, और इसका जो इसमें सेंसर साइज मतलब लगभग मेरे को नहीं मिला है, इसका जो प्राइमरी कैमरा है प्राइमरी कैमरा का मतलब मेरे को नहीं मिला है अभी तक। और इसके इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम है, लेट फ्लैश है, और इसका इसमें जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन सब कुछ है, पैनोरामा है, HD है, ठीक है, और इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो 30 पिक्सल है, और उसमें 1080p यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। और इसमें जो सेकेंडरी कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल में मिलते हैं, और इसका जो एपेचर है वो मिलते हैं आपको 2.0, और इसका जो सेंसर साइज आपको मिलता है वो है 1/2.8 इंचेस, और बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसका जो मतलब पिक्सल है मतलब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो रेजोल्यूशन वो है 1080p। तो ये तीनों कैमरा जो है वो सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छा है, एक मतलब हर एक में बहुत ही अलग अलग फैसिलिटी है, लेकिन इसका जो सेंसर साइज ये आप लोग चूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिया, कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन है, जो फीचर्स है उसके बारे में आपको बताया, और आप भी चूज़ कीजिए। आप चूज़ करके मेरा जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखिए आप कौन सा कैमरा को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, और इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो से आप अगर कुछ आपको हेल्प मिला, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, बिग थम्स अप दीजिए, और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।